बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ परवरदिगार के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, इमाम फखरी अल-दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब वाकया लिखा है कि माँ के पेट में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बच्चा अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। क्योंकि जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू हो जाती है, वहाँ फिर परेशानियाँ भी जन्म लेने लगती हैं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, ऐ लोगो, तुम जितना चाहे अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिंदगी को यहीं पर जहन्नम ना बना दिया तो फिर कहना, और जो कोई नाफरमानी करेगा इसकी जिंदगी जहन्नम का नमूना बन जाएगी। दोस्तों, एक और अल्लाह वाले का वाक्या आपको सुनाते हैं। एक आलिम ने 50 बरस तक अल्लाह ताला की रहमत का वगज गाया था। जब इनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मेरे इस बंदे ने 50 बरस तक मेरे बंदों को मेरी रहमत का वगज सुनाया है, मुझे शर्म आती है कि मैं इस बंदे से हिसाब लूं। ले जाओ, इसको जन्नत में दाखिल कर दो, मैंने अपनी रहमत से इसको बख्श दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस फानी जहान से जाने से पहले अल्लाह ताला हम पर अपनी खास रहमत अता फरमाए और हमें नेक हदायत अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखो। शुक्रिया।